ये रहा शुभू बच्चा। मायके में ही रहती हो? मायके में रहने का इरादा है क्या? पता नहीं क्या यार, मायके में ही तो हूँ, कहीं दूसरों के घर में थोड़ी क्या गई थी, अपने ही घर में तो गई थी। हेलो दगड़ियों, नमस्कार, पहलाक और छोटू को मेरा प्यार भरा आशीर्वाद। और कश्य आप लोग, उम्मीद कर लो कि सब लोग ठीक है नला। मैं बिल्कुल ठीक छू और स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल में से पूनम पंकज नेगी पे। और जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं उन्हें बता दूं मैं हूँ पूनम बिश्नेगी, उत्तराखंड के जिला नैनीताल कोटाबाग से। तो चलिए फिर आज के इस ब्लॉग को स्टार्ट करते हैं। आज की ब्लॉग की स्टार्टिंग हो रही है सुबह के 9:30 बजे से और मैं किचन में काम कर रही हूँ। शुभी के लिए मैंने यहीं पर ही चटाई बिछा रखी है क्योंकि इसकी आदत है मेरे साथ, जब मैं किचन में रहती हूँ तो उसका भी मन करता है कि मैं किचन में आऊं। तो मैंने पूरा वहां से लेकर के यहाँ तक पूरी इसके लिए मैट बिछा दी है। तो ये जितने भी डब्बे हैं ना, इतने ज्यादा गंदे हो गए इनके ढक्कन, क्योंकि यहाँ पे चिमनी तो है नहीं। तो फिर क्या होता है कि खाना बनाते हैं चिपचिपापन हो जाता है, ऊपर से फिर आजकल मौसम में 1-1.5 महीने से ऐसी मौसम हो रहा है, इतनी ज्यादा सीलन हो चुकी है तो डब्बे बहुत ज्यादा गंदे हो गए हैं। डब्बे से ज्यादा उनके ढक्कन गंदे हो गए। तो मैं आपको एक ढक्कन दिखाती हूँ, ये देखो कुछ इस तरीके का ढक्कन हो चुका है, इतना गंदा हो गया है ये। तो कुछ कुछ मैं साफ करते जा रही हूँ। कल मैंने वो 5 डब्बे साफ किए थे, दिख रहा है आपको, 5-6 डब्बे मैंने कल साफ किए थे। तो आज मैंने ये डब्बे साफ कर दिए हैं, ये देखो इतने साफ हो गए, दिख रहा है आपको, देखो इतने ज्यादा साफ कर दिए हैं। तो किस किस चीज से साफ कर रही हूँ मैं आपको बता देती हूँ। पहले तो मैंने ले रखा है थोड़ा बेकिंग सोडा लिया है मैंने, ये देखो ये है बेकिंग सोडा और विनेगर ले रखा है, शुभी नहीं करो, और ये विनेगर ले रखा है और उसमें ये लिक्विड वाला जो होता है पिल वो डाल रखा है, शैम्पू भी डाल सकते हो, कुछ भी डाल सकते हो। तो इसका एक घोल बना रखा है मैंने एक कटोरी में, ये रहा। तो बस इसी को ही मैं इन ढक्कनों में लगा रही हूँ और लगाने के बाद 2-3 मिनट के लिए छोड़ दे रही हूँ। उसके बाद जब साफ कर रही हूँ ना, बिल्कुल चमक जा रहे हैं। शुभी देखो, शुभी शैतानी कर रही है, शैतानी क्या कर रही है, खेलने में लगी हुई है, चम्मच दे रखी है, प्लेट दे रखी है, तो दरवाजे में मारने में लगी है। तो चलो फिर ढक्कन जल्दी से साफ कर देती हूँ। तो बस जो मैंने ये लिक्विड बना रखा है ना, एक ब्रश ले रखा है मैंने, ये ब्रश, और ब्रश से ना इसको ऐसे साफ करना है बस, चारों तरफ से लिक्विड अच्छे से लगा करके, थोड़ा ब्रश क्योंकि इसमें लाइनिंग बनी हुई है ना, इस वजह से ब्रश से ईजिली निकल जाएगा। और इसी जो ये मैंने लिक्विड बना रखा है ना, इसी लिक्विड से मैंने खिड़कियाँ भी साफ करी थी, टाइल वाइल सब इसी से बहुत अच्छे से साफ हो जाते हैं। तो बस सारे इकट्ठा नहीं कर रही हूँ क्योंकि एक साथ देख करके वो हो जाता है ना कि इतना सारा कैसे करूँगी करके, तो थोड़ा थोड़ा करके कर रही हूँ जितना आज हो जाएगा। अभी मैंने बहुत सारे ढक्कन, ये देखो आपको दिखाती हूँ, बहुत सारे डब्बों के ना ढक्कन निकाल के रखे हुए हैं, सभी ना बहुत ही ज़्यादा गंदे हो रहे हैं, दिख रहे हैं अभी एक दो ढक्कन हो रहे हैं इसमें। तो थोड़ा थोड़ा करके जितना भी मेरे से हो रहा है, जब भी मुझे टाइम मिल रहा है मतलब, तो तब तक मैं इनको ढक्कनों को साफ़ कर रही हूँ। अभी मैंने गीज़र ऑन कर रखा है शुभी को नहलाने के लिए, तो जब तक पानी गर्म होता है तब तक मैं ये ढक्कन साफ कर दूंगी, क्योंकि ना इकट्ठा एक साथ नहीं हो पाता है बच्चे के साथ, कभी क्या काम करना होता है कभी क्या, थोड़ा थोड़ा जब भी टाइम मिल रहा है तब तक ये ढक्कन मैं साफ कर ले रही हूँ। और वैसे भी मैं ना पूरा किचन एक साथ साफ नहीं करती हूँ क्योंकि मुझे इतना टाइम नहीं मिलता। हाँ, जब तो शुभी नहीं हुई थी तब तक मैं क्या करती थी, तब मैं ऐसा कर लेती थी, ये देखो लगभग लगभग साफ हो गया ना। अब मैं इसको ऐसे ही छोड़ दूंगी, अब इसी तरीके से दूसरा ढक्कन भी साफ कर लूंगी, ये देखो इतने ज़्यादा गंदे हो चुके हैं ना। तो मैं आपको क्या बताती थी, हाँ जब शुभी नहीं हुई थी ना तब मैं पूरा किचन साफ कर लेती थी, लेकिन आप क्या करती हो, थोड़ा थोड़ा करके किसी दिन खिड़की साफ कर लिया, किसी दिन टाइल साफ कर लिए, किसी दिन डब्बे के ढक्कन निकाल लिए, जब जब टाइम मिला तब तक ये करते रहती हूँ। तो चलिए फिर मैं जल्दी से इन ढक्कनों को साफ कर लेती हूँ, उसके बाद मिलूंगी आपसे। अभी मैंने नहाया नहीं है, पहले शुभी को नहलाऊंगी, शुभी को दूध दूध पिला करके शुभी को सुला दूंगी, फिर नहाऊंगी अपना। तो देखिए गाइस, पूरा ढक्कन साफ हो चुका है, दिख रहा है आपको कितना ज़्यादा ये गंदा हो रहा था। तो इसी तरीके से मैं सारे ढक्कन साफ कर लेती हूँ और शुभी यहाँ पर खेलने में लगी हुई है, तो मेरा काम भी बहुत इजीली हो जा रहा है। तो चलिए फिर मैं सारा काम कर लेती हूँ, उसके बाद मिलूंगी आपसे। शुभी, शुभू, तो आज दिन के लंच में बन रहा है झोली, पकोड़ी वाली झोली बन रही है, पकोड़ी मैंने बना दी है। तो कुछ पकोड़ी अभी हम लोग खा लेंगे, बाकी जितनी बचेंगे उन्हें हम झोली में डाल देंगे
और बाकी यहाँ पे शुभी ने दुकान खोल रखी है। आपको दिखाती हूँ शुभी की दुकान, ये देखो इसको कुछ खरीदना होगा आ जाना। ये सारा शुभी ने फैला रखा है, मोबाइल भी है यहाँ। और अभी शुभी दादू के साथ मंदिर वाले कमरे में है, वहाँ बैठी हुई है। और पकौड़ी तो मैंने बनाई, बाकी मम्मी ने इसमें छोली रखी बनाने के लिए, चावल बन के तैयार हो गए हैं। तो शुभी और दादू यहाँ पर खेल रहे हैं, ये देखो। हेलो, हेलो, जय 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 जय। यहाँ अच्छा लग रहा है इसको, ये हैप्पी बर्थडे हैप्पी बर्थडे, जय बोल दे मम्मा, जय बोल दे। चलो आ जाओ शुभू, चलो ये रहा शुभू बच्चा, हाँ आ जाओ चलो। शुभी को पकौड़ी के अंदर का आलू निकाल करके दे रखा है। अच्छा खा लिया, अच्छा मान लिया, अच्छा रहा शुभू। आहा आ करो, पहले खा लेती हूँ क्या नहीं है। चलो चलो चलो, ये देखो शुभी को दादू चलना सिखा रहे हैं। गुड गुड गुड, चलो 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 चलो, आयो आयो आयो, हाँ चलो चलो, मम्मा भी आ रही है, चलो 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 चलो, गाड़ी घुमा लो, चलो घुमाओ गाड़ी घुमाओ, चलो आओ 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 आओ, और घुमाओ 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 और घुमाओ, चलो आया 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 आया। तो अभी बज गया है शाम के 5:15 और अभी हम लोग आ रहे हैं ऊपर। ये रहा शुभी बच्चा, ये रहा शुभी बच्चा। और आजकल मौसम बहुत ज्यादा खराब हो रहा है, इस वजह से मम्मी ने ना अंदर ही तार लगा रखे। देखो शुभी के कपड़े नहीं सूख रहे थे, हम लोग के तो चलो जो भी है हो ही जाते हैं कपड़े, लेकिन शुभी के डेली के रहते तो ये सूख ही नहीं रहे थे। तो मम्मी ने अंदर ही लगा दिया है ये तार, और इसमें कपड़े डाल रखे, यहीं पे पंखा चला करके अपने आप सूखते रहते हैं। और हमारे ऊपर आने तक यहाँ पे मक्का रेडी है, तो बस अभी हम खाने जा रहे हैं मक्का। शुभी को नहीं मिलेगा, शुभी को नहीं मिलेगा मक्का, नहीं आपको। जाओ शुभू दादू साथ जाओ। अच्छा फिर और चिढ़ा दिया मैंगो को, चिढ़ा दिया मैंगो को, चिढ़ा दिया शुभी दी, शुभी शुभी दाख लो सांस काम पर लिड़ से। तो अभी बज गया है 7:45 और मौसम देख सकते हो लगातार काफी दिनों से ऐसी मौसम हो रहा है। पूरा आंगन में देखो काई काई हो चुकी है, दिख रहा है आपको, पूरा हरा हरा काई काई हो चुकी है। और सब्जी मैंने काट दी है, आज बन रहा है कद्दू की सब्जी। धनिया भी मैं लेके जा रही हूँ, हाँ मेथी धनिया, हाँ अदरक भी है। तो बस अब मैं नीचे आ गई हूँ, नीचे अब मैं सब्जी बनाऊंगी, आटा गूंथूंगी, सारे काम करूंगी। और शुभी दादा दादी के साथ ही आएगी नीचे, लगभग 7:30 बजे के आसपास आ जाएंगे वो लोग नीचे, तब तो मेरा खाना पीना बन जाता है।
और लेकिन मौसम इतना ज्यादा खराब हो रहा है ना, मतलब काफी दिनों से मेरी बैक साइड से भी देख सकते हो भी रात को बारिश आने का पूरा मौसम हो रखा है और काई इतनी ज्यादा जम रखी है ना, बाहर घूमने लायक बिल्कुल भी नहीं हो रहा है। यहाँ पर भी, यहाँ पर तो खैर पापा साफ करते रहते हैं, ब्लीचिंग पाउडर डाल देते हैं या कभी चूना डाल देते हैं तो ये साफ कर देते हैं, वरना इतना वो जा रहा है ना, क्या बोलते, काई जम जा रही है। ऊपर आंगन तो उसका लिपाई करते हैं ना, गोबर का लिपाई, गोबर और मिट्टी से लिपाई करते हैं, वहाँ तो बहुत ही ज़्यादा काई हो रखी है। और आजकल हम लोग का काम भी रुक रखा है, यहाँ पे जो हमारा बालकनी है थोड़ा सा आगे को बढ़ा रखी थी तो ये काम भी रुक रखा है, यहाँ लेंटर पड़ना था लेकिन क्या करें, बारिश मौका ही नहीं दे रही है। रोज ऐसे मौसम हो रहा, खतरनाक वाला मौसम, बहुत दिनों कपड़े नहीं सूख रहे, काम भी अटका पड़ा हुआ है। बस हमने सोचा था कि शुभी के बर्थडे तक बालकनी का काम पूरा हो जाता तो सही था, लेकिन अभी लेंटर ही नहीं हो पा रहा है और इस काम को ना बहुत टाइम हो गया। मैं जब मायके में थी तब से ये काम चल रहा था, तो मम्मी ने बोला था जब लेंटर पर जाएगा तो उसके बाद आना, तभी मैं इतने दिन मायके में रुकी हुई थी, फिर उतने दिन मायके में मैं रुकी कि ये काम लेंटर पर जाएगा तो फिर आऊँगी। उसके बाद क्या हुआ कि लेंटर तो पड़ा नहीं, फिर मैंने कहा मम्मी मैं आ जाती हूँ, लेकिन फिर हम बीमार पड़ गए, फिर कभी क्या हो गया। और आप लोग के इतने कमेंट आ रहे थे बहुत सारे लोग के कि मायके में ही रहती हो, मायके में रहने का इरादा है क्या, पता नहीं क्या, यार मायके में ही तो हूँ, कहीं दूसरों के घर में थोड़ी क्या गई थी, अपने ही घर में तो गई थी। यार आप लोग भी ना कभी कभी सच में हद करते हो कसम से, वो भी मेरा अपना घर है, ये भी मेरा अपना घर है, कभी कुछ मजबूरियाँ हो जाती हैं तो यार ससुराल में मैं जब महीने, दो महीने, तीन महीने, चार महीने रह सकती हूँ क्या, मायके में एक महीने रहने में क्या कोई दिक्कत परेशानी हो जाती है क्या? आप लोग कसम से बहुत ज़्यादा हद कर देते हो। और आजकल ना बारिश की वजह से मच्छर भी बहुत ज्यादा हो जा रहे हैं। रुको मैं पहले लाइट जला देती हूँ अंदर की। तो बहुत सारे लोग के कमेंट इस टाइप के आ रहे थे कि मायके में रहने का इरादा है क्या, हमारे भी हस्बैंड बाहर हैं लेकिन हम तो ससुराल में रहते, तो मैं क्या ससुराल में झगड़ा करके थोड़ी क्या गई थी मायके, बस गई थी कुछ टाइम के लिए। आप लोग भी ना यार ऐसी बात करते हो, फिर शुभी भी छोटी है, इतनी बारिश वारिश हो रही थी बाहर, काम लग रहा था, तो मम्मी पापा ने खुद बोला था मुझसे कि जब यहाँ लेंटर पड़ जाएगा उसके बाद ही आना। लेकिन आप लोगों को समझ में नहीं आता, मतलब मैं सबकी बात नहीं कर रही हूँ, किसी किसी की बात कर रही हूँ, किसी किसी का तो ऐसे कमेंट आ रहे थे मेरे पास मायके में रहने का इरादा है क्या, और पता नहीं क्या, मतलब इस टाइप की आ रही थी अजीब से कमेंट, मतलब मैं मायके में क्या चले गई, एक महीना क्या रह गई, पता नहीं क्या ही आप लोग ही करते हो यार हम लोग को मायके और ससुराल से अलग टाइप का। वरना मेरे सास ससुर ऐसे बिल्कुल भी नहीं है, ना ही मेरे मम्मी पापा ऐसे हैं, मेरा खुद जब मन जहाँ करता है मैं वहाँ जाती हूँ। मेरे सासू माँ ससुर जी भी कभी कुछ नहीं कहते मुझसे कि तू इतने टाइम रह रही है वहाँ, ये वो कभी कुछ नहीं कहा उन्होंने। चलो छोड़ो, फिर ये कुछ कुछ लोगों के लिए था, बाकी सब लोग, बहुत सारे लोग मुझे समझते हैं, चलो जो भी है। बाकी मैंने आज देखो इतने सारे ढक्कन साफ कर दिए हैं, ये मैंने ना सूखने के लिए रखे हुए हैं, वैसे तो मैंने कपड़े से पोंछ दिया था इनको, लेकिन फिर भी थोड़े बहुत हवा से सूख जाए तो सही है, इसलिए मैंने सारे ढक्कन रखे हुए हैं। ये देखो ऊपर के जितने ढक्कन डब्बे ना सब खुले ही हैं, अब ये सूख गए होंगे तो मैं अब इनके ढक्कन लगा दूंगी। और अब मैं सब्जी बनाती हूँ, कद्दू की सब्जी। आज पापा सब्जी लेने के लिए कोटा बाग गए थे, वहीं से लेके आए सब्जी, आलू लेके आए और कद्दू लेके आए और तुरई लेकर के आए हैं। इस बार हमारे खेतों में ना सब्जी नहीं हो रही है, और टाइम पे क्या होता था, पिछले साल इस टाइम पे हमारे वहाँ इतनी लौकियाँ होती थी, इतने तुरई होते थे, कद्दू हो जाते थे, लेकिन इस बार कद्दू की बेल हो रखी है लेकिन कद्दू नहीं हो रखे हैं, तो इनके जो ऊपर के टिप्स होते हैं ना, ऊपर के टुकड़े तूनी के तोड़ के इस बार उसकी सब्जी खाएंगे, अभी तक खाई नहीं है, देखते हैं कब खाएंगे। तो ये सब्जी पापा लेके आए थे, तो आज मैंने कद्दू की सब्जी काट रखी है, ऊपर से काट के आ गई थी मैं क्योंकि शुभी ऊपर बैठी थी, तो मम्मी ने कहा यहीं से काट के ले जा, वहीं से सब्जी काट के लाई हूँ। तो चलिए फिर अब मैं बनाती हूँ खाना पीना, टाइम भी हो रहा है, लगभग 7 बजने वाला है। तो चलिए फिर आज के इस ब्लॉग को मैं यहीं पे एंड करती हूँ। वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग पे, ओके बाय।